स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनावों को देखते हुए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, घोसी से अतुल राय को दिया गया टिकट, वहीं भदोही बनास के ठीक बगल से रंगनाथ मिश्रा को टिकट दिया, जौनपुर से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की बहुजन समाजवादी पार्टी ने। भदोही से रंगनाथ मिश्र को टिकट दिया गया है, जौनपुर से श्याम सिंह यादव से रंगनाथ मिश्र को टिकट दिया गया है, जौनपुर से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। इस तरह से आसपास के तमाम उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बहुजन समाजवादी पार्टी ने। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, 16 उम्मीदवार, अफजाल अंसारी भी इसमें शामिल, रंगनाथ मिश्र भी इसमें शामिल। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर तो काफी पहले से बनाए जा चुके थे, लेकिन इसमें बहुत कई सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत चर्चित हैं। जैसे आप गाजीपुर से देखिए, अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, भदोही से रंगनाथ मिश्र को टिकट दिया गया है, और मछली शहर से टी राम को टिकट दिया गया है। टी राम पहले अजगरा से विधायक हुआ करते थे, जो कि बनारस की एक सीट हुआ करती थी। जौनपुर से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वहीं सलेमपुर से आरएस कुशवाहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल राय को घोसी से प्रत्याशी बनाया गया है, और सदन प्रसाद को राजीव बांसगांव से प्रत्याशी बनाया गया है। विनोद कुमार जायसवाल, ये नाम आप जानते होंगे, देवरिया से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्मशंकर तिवारी और कुशल तिवारी को संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि संत कबीर नगर से समय लगातार चर्चा में है। आपको याद होगा कि जो कांड हुआ था, विधायक महोदय की टिप्पणी जो थी उसको, उसके बाद को लेके, और कल भी वहां काफी अच्छा खासा बवाल हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे को वहां पे जाके एक कलेक्शन को संबोधित करना था। तो ऐसे में संत कबीर नगर की लड़ाई जो है वो बहुत ही बहुत होगी, और मैं समझता हूँ कि सबकी नजर उस पर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या शरद त्रिपाठी का टिकट काटती है या नहीं काटती है। क्योंकि तो शरद त्रिपाठी का टिकट अगर राजू काटता है तो उससे ब्राह्मणों में एक बड़ा संदेश जाएगा, और उससे ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और एक बहुजन समाज पार्टी की जो लिस्ट है जिसमें संत कबीर नगर से कुशल तिवारी को दिया गया है, ऐसे कुशल तिवारी के खिलाफ यानी रिझाने की कोशिश की है बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस टिकट वितरण में जो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी के लिए।